लो व्यूज से परेशान हो, व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो चलो यार, सबकी हमने बहुत सुन ली, अब यूट्यूब का सुनते हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने सबका बहुत सुन लिया, हम लोगों ने जो सबने जो जो तरीका बताया हमने अपनाया, उस तरीका से कुछ हुआ नहीं। अब यूट्यूब कुछ तरीका बता रहा है, क्या बता रहा है यूट्यूब का तरीका क्या है? चलो, यूट्यूब कह रहा है क्या आपके यूट्यूब चैनल पर व्यूज ड्रॉप है? ये पांच चीजें ट्राई करें। कितना? पांच चीजें हमें ट्राई करने बोल रहे हैं। कौन कौन सा पांच चीज ट्राई करने के लिए बोल रहे हैं? सबसे पहले जो यूट्यूब बोल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपके दर्शक यूट्यूब पर कुछ और ढूंढ रहे हैं? पोल्स, कमेंट्स और कम्युनिटी पोस्ट की मदद से जाने कि आपके दर्शक देखना क्या चाहते हैं, ठीक है? मतलब क्या देखना चाहते हैं आपके दर्शक? ये जो बोल रहे हैं आपको पोल्स, कमेंट्स और कम्युनिटी पोस्ट से जाने, तो आपको क्या करना है? आपके चैनल में एक कम्युनिटी पोस्ट रहता है, आपको क्या करना है उसमें से पोल्स डालना है कि जैसे आप जिस कैटेगरी पे वीडियोस बनाते हो, चार पांच कैटेगरी लिख देना है कि भाई आप किस कैटेगरी पे वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है? तो वहां क्या करेंगे, पोल में क्लिक करेंगे, आपके जो व्यूवर्स हैं वो पोल में क्लिक करेंगे। उस प्रकार अगर उससे रिलेटेड आप वीडियो बनाओगे तो ज्यादा व्यूज आएंगे, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, उसमें से आप पोस्ट डालो कि आप क्या देखना चाहते हो, उसमें व्यूवर्स कमेंट्स करेंगे, ठीक है? पोल्स, कमेंट्स और कम्युनिटी, कम्युनिटी में पोस्ट डालो। आपको कम्युनिटी में पोस्ट डालते रहना है, कम्युनिटी को एक्टिव रखना है, क्योंकि कम्युनिटी को एक्टिव रखोगे तो चैनल भी ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। ये पहला चीज यूट्यूब बोल रहा है। दूसरा चीज यूट्यूब बोल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है आपके दर्शक यूट्यूब पर कम समय बिता रहे हैं? अलग अलग फॉर्मेट्स अपनाएं और अपने दर्शकों की दिलचस्पी को समझकर उनकी व्यूअर हैबिट्स बदलें, ठीक है? व्यूअर हैबिट्स बदलें, मतलब क्या कह रहा है कि अलग अलग फॉर्मेट्स अपनाएं। अलग अलग फॉर्मेट्स मतलब जैसे आप 2 मिनट का वीडियो बनाते हो तो शॉर्ट्स भी बनाया करो, 3 मिनट का वीडियो बनाते हो तो एक काम करो, क्या करो अपने चैनल पे शॉर्ट्स भी बनाया करो और 10-10 मिनट के वीडियोस बनाया करो, 2-2 मिनट के वीडियोस बनाया करो, अलग अलग फॉर्मेट बनाओ। ये नहीं कि 2 मिनट का बना रहे हो तो 2 मिनट का ही बनाते जाओ, 1 मिनट का बना रहे हो 1 मिनट का ही बनाते जाओ, 3 मिनट का बना रहे हो 3 मिनट का ही बनाते जाओ। नहीं, आपको अलग अलग फॉर्मेट्स ट्राई करना है। आपको अगर आप लॉन्ग बनाते हो शॉर्ट्स भी बनाना है, शॉर्ट्स बना रहे हो तो लॉन्ग भी बनाना है। यूट्यूब ये कह रहा है अलग अलग फॉर्मेट्स, ये दूसरा तरीका यूट्यूब बता रहा है। तीसरा कह रहा है आपके कुछ वीडियोस ने बेहतरीन परफॉर्म किया पर दर्शकों ने आपका बाकी कंटेंट नहीं देखा। ऐसा होता नहीं कि मेरा कुछ वीडियोस में बहुत अच्छा व्यूज आ गया लेकिन बाकी जो कंटेंट है वो दर्शक नहीं देख रहे, ठीक है? तो क्या करना है, प्लेलिस्ट, सजेस्टेड वीडियोस और होम पेज पर अपने सबसे बेहतरीन वीडियोस को दर्शाएं ताकि दर्शक आपके चैनल पर रुके। करना क्या है, सबसे पहले आपका जो वीडियो है उसको आप अपने कम्युनिटी में पोस्ट किया करो, ठीक है? अपने कम्युनिटी में पोस्ट किया करो, जो आपका सबसे बेहतरीन वीडियो है जिसमें थोड़ा व्यूज जाकर रुक गया उसको अपने कम्युनिटी में पोस्ट करो, पहला चीज। दूसरा चीज क्या करो, उसको उस वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड करो, आपको प्लेलिस्ट बनाना है, ठीक है? और प्लेलिस्ट में उस वीडियो को ऐड करना है, उसके बाद क्या करना है, ठीक है? और होम पेज पे दर्शाते, होम पेज मतलब स्टार्टिंग वीडियो, होम पेज में अपने वीडियो को लगाते रहो, ठीक है? ये हो गया तीसरा चीज। चौथा चीज आते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है आप पहले से कम अपलोड्स कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग क्या कर रहे हैं, जब वीडियोस का व्यूज लो जाता है तो वीडियो जितना अपलोड करते हैं उसे कम अपलोडिंग करने लगते हैं। तो यूट्यूब कह रहा है चैनल को एक्टिव रखने के लिए अपना पोस्टिंग शेड्यूल बनाएं। पोस्टिंग शेड्यूल मतलब बनाएं क्या करना है, ये चीज मैं हमेशा बोलता हूं अपने वीडियो में, ठीक है? कि ये चीज आपको करना है, आप वीडियो बनाओ और एक टाइमिंग पे शेड्यूल कर दो। डेली आपके जैसे 7 बजे एक टाइमिंग चुन लो, या 6 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जो भी एक टाइम चुनना है उस टाइम पे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बादल फटे, चाहे आसमान फटे, चाहे धरती फटे, आपके उस समय में वीडियो जो है अपलोड होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये चीज आपको अपनाना ही अपना है, उस टाइम में आपके वीडियोस आने ही चाहिए, ठीक है? एक टाइमिंग चुन लो और उस टाइम में वीडियो को शेड्यूल करो। ये चौथा चीज यूट्यूब कह रहा है। पांचवा चीज क्या है, आपके वीडियोज के टॉपिक शायद ऐसे हो जो दर्शक नहीं देखना चाहते हैं, ट्रेंड्स पर वीडियोस बनाए ताकि दर्शक आपके कंटेंट से रिलेटेड कर पाए। ट्रेंड्स पे वीडियो बनाए मतलब आपके जिस आपका जो चैनल जिस कैटेगरी में है, ठीक है? उस कैटेगरी में देखो अभी सबसे ज्यादा कौन सा वीडियो चल रहा है, अभी सबसे ज्यादा व्यूज कौन से वीडियोस पे जा रहा है, तो आप लोग क्या करो उस ट्रेंड्स टॉपिक पे वीडियो बनाओ। ट्रेंड्स टॉपिक पे वीडियोस बनाओगे तो क्या होगा, यूट्यूब जो करेगा उसके नीचे आपका वीडियो सजेस्ट करेगा, और वैसे सर्च होंगे तो आपका वीडियो भी सर्च लिस्ट में आएगा, तो आपके वीडियो में जो है वो व्यूज जाएगा और भर भर के व्यूज जाएगा, ठीक है? तो यही होता है ट्रेंड्स, मतलब आपका जो कैटेगरी, आपका आप जिस टॉपिक पे वीडियो बनाते हो उसमें बड़े बड़े क्रिएटरों को देखो, किसने क्या वीडियो अपलोड करा है, किसका ज्यादा व्यूज जा रहा है, उस कैटेगरी के वीडियोस आप भी बनाओ, ठीक है? जो टॉपिक ट्रेंडिंग चल रहा है उस ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियोस बनाओ। ट्रेंडिंग टॉपिक मतलब ये नहीं होता कि जैसे मैं टेक बनाता हूं और अभी बिग बॉस ट्रेंड पे चल रहा है तो मैं बिग बॉस का वीडियो बनाने लगूं, नहीं। हाँ, अगर मैं टेक में अगर बिग बॉस को डाल पाऊं, ठीक है? जैसे एक यूट्यूबर है तो वो अभी शिवानी कुमारी जैसे गई थी बिग बॉस में, तो उनका है तो वो बता रहे थे मेरे क्षेत्र का ऐसे वैसे, यूट्यूब देखो यूट्यूब से इतना आगे पहुंच गए, तो ठीक है, वैसे अगर रिलेट करके आप ट्रेंडिंग टॉपिक को टेक में घुसा सकते हो, ठीक है? तो वो चीज आप कर सकते हो, वरना जो कैटेगरी है जिस कैटेगरी में जो चल रहा है, वरना कैटेगरी बदलने लगोगे तो दिक्कत हो जाएगा। कैटेगरी चेंज मत करना, एक कैटेगरी पे आपको टिके रहना है, ठीक है? ये चीज बस, ये मात्र पांच चीज, देखो पांच चीज जो यूट्यूब खुद बता रहा है, ये पांच चीज यूट्यूब खुद बता रहा है। अगर ये आप पांच चीज कर लेते हो तो आपके व्यूज जो है ना भाई बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जाने लगेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, ये पांच चीज जो यूट्यूब बता रहा है बस इस पांच चीज को ट्राई करो, ये पांच चीज आपका चैनल का पूरा परफॉर्मेंस बदल के रख देगा, ठीक है? तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।